सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी। तो मैं हाँ जज सिंह चाहल। अज दे पंजाबी प्राइम टाइम दे विच तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी प्राइम टाइम दे विच सब तो पहला गल करांगे किसानी अंदोलन की, जिसनों एक नवा टैग मिलता दिखाई दिंदा है। किसानां नूं कुट कुट के जेलां विच सुट्टण दी मंग करन वाले भाजपा आगू दे वल्लों किसानां तों मुआफ़ी मंग ली गई है। मुआफ़ी कांग्रेस दे हंकारी विधायक ने भी मंग ली है। कैप्टन अमरिंदर सिंह दे बयान ते बवाल रुकण दी बजाए हुण वधदा दिखाई दिंदा है। नवजोत सिंह सिद्धू बादल परिवार दे खिलाफ एक नवा सबूत कढ़ लिया इन्हें। गुरदास मान नाल संबंधित भी एक खबर सामने आई है, तुहानू सारी जानकारी देण जा रहे हां। पर सब तो पहला शुरुआत करदे हां दिल्ली ते बार्डरां ते चल रहे किसानी अंदोलन तो। किसानां दे वल्लों लगातार कोई ना कोई नवा प्रोग्राम दिता जा रहा है। 27 सितंबर नूं भारत बंद का सद्दा किसानां दे वल्लों दिता गया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि किसान कोई होर सद्दा नहीं दे रहे। राजस्थान की राजधानी जयपुर दे विच किसानां दे वल्लों अज एक संसद सदी गई है, जिस दे विच सारे किसान संसद मैंबरां दे वल्लों खेती कानूनों बारे विचार चर्चा की गई है। इस दे विच पूरे भारत के किसान आगुआं दे वल्लों शमूलियत ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ दिखाई दिते ने। यूपी के किसान आगू राकेश टकैत की गल करिए, उन्होंने वालों उत्तर प्रदेश के किसानों की मुहिम अगे वधाउण का काम किया जा रहा है। हुण उत्तर प्रदेश के योगी सरकार दीआं मुश्किलां भी वधदीआं दिखाई दिंदीआं ने। योगी सरकार की किरकिरी होण लग पई है। विरोधी पार्टियां ने भी मोर्चा खोलिया होया है बीजेपी की सरकार के खिलाफ, अते किसानां ने भी मोर्चा खोल दिता है। अते लगातार योगी आदित्यनाथ की निजी तौर किरकिरी भी हुण उत्तर प्रदेश दे विच हुंदी दिखाई दिंदी है। अज सारा दिन ट्विटर ते एक हैशटैग भी ट्रेंड करदा दिखाई दिता, जिस दे विच लिखिया सी योगी तुमसे न हो पाएगा। यह हैशटैग वरत के लोगों के वलों योगी सरकार दीआं धज्जियां उड़ाईआं गईआं, क्योंकि विकास के दावे इत्थे योगी आदित्यनाथ दे वलों कीते जा रहे ने। अते खास तौर पर जिहड़ा विज्ञापन अखबार दे विच दिता गया सी योगी सरकार दे वलों, उस नूं लैके योगी सरकार का मजाक ट्विटर से लोगों के वलों रज के उड़ाया गया है। जिहड़े किसान समर्थक ने वह भी काफ़ी खुश ने कि अजे तो असी यूपी दे विच किसानां दी मुहिम की शुरुआत ही की है, तो योगी सरकार का यह हाल हो गया है। जदों पूरे यूपी दे विच किसानां दी मुहिम फैल गई, उस तो बाद योगी सरकार का की हाल होएगा। किसान अते किसान समर्थक काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई देंदे ने। पर नाल दी नाल तुहानू ये भी दसना बहुत जरूरी है कि किसानी अंदोलन नूं कोई ना कोई नवा नां भाजपा आगुआं दे वल्लों दिता जांदा है, हुण नवा टैग किसानी अंदोलन नूं मिलदा दिखाई दिंदा है, अते ओह है नशेड़ियां दा टैग। बीजेपी हरियाणा के प्रधान ओ पी धनखड़ दे वल्लों सीधे तौर पर पंजाब ते वड्डा इल्जाम ला दिता गया है। वह कहिंदे ने कि दिल्ली के बार्डर से चल रहे अंदोलन के करके हरियाणा के कई जिलों के नशे का व्यापार बहुत ज़्यादा वाधा जाता है, क्योंकि पंजाब के किसान इतने दिल्ली के बार्डर से आके बैठे ने। उन्होंने शराब के बिना, कबाब के बिना अते चिट्टे बिना नहीं सरदा है। इस करके दिल्ली के बार्डर तक सप्लाई चिट्टे की उन्हों तक पहुँच रही है, हरियाणा के लोगों तक भी हुण चिट्टा पहुँचण लग पिया है। ओ पी धनखड़ कहिंदे ने कि हरियाणा हरियाणे दे विच फिल्मां बनदियां ने दंगल वर्गियां, सूरमे वर्गियां, जिस दे विच खेडां बारे गल हुंदी है। हरियाणे तों खिडारी पैदा कीते जांदे ने, जदके पंजाब तों फिल्मां बनदियां ने उड़ता पंजाब वर्गियां। इस करके पंजाब दे विच नशे ते फिल्मां बनदियां ने, हरियाणे दे विच खिडारियां ते फिल्मां बनदियां ने। पंजाब अते हरियाणे दा बहुत फर्क है, पर हुण पंजाब दे लोक दिल्ली दे बार्डरां ते बैठ के हरियाणे दीआं अगलीआं पीढ़ियां नूं खराब करन दा काम कर रहे ने।
ओपी धनखड़ कहिंदे ने कि मैनू भलवानी अखाड़िया तो शिकायतां आउण लग पईआं ने कि दिल्ली दे बार्डरां ते बैठे किसानां दे वल्लों हरियाणे दे कई ज़िलिआं दे विच जिन्हां दे विच उन्हां ने सोनीपत दा नाम लिया है, रोहतक अते झज्जर ज़िलिआं दा नाम लिया है कि इन्हां ज़िलिआं दे विच हुण नशे दा प्रचलन बड़ी तेज़ी दे नाल वधदा दिखाई दिंदा है। ओपी धनखड़ कहिंदे ने कि पहलां वी शिकायतां आउंदियां सन पर उन्हां ज़िलिआं तों आउंदियां सन जिहड़े पंजाब दे नाल लगदे सन, हुण तां सोनीपत वर्गे ज़िले तों रोहतक अते झज्जर वर्गे ज़िले तों वी शिकायतां आउण लग पईआं ने अते इह सारा असर किसानी अंदोलन दा ही है। जेकर इन्हां ने अंदोलन करना है तां अपने तरीके नाल अंदोलन करन, पर हरियाणे दीआं अगलीआं पीढ़ियां नूं नष्ट करन दा काम किसानी अंदोलन वाले पंजाब दे किसानां नूं नहीं करना चाहीदा। बहुत वड्डा इल्जाम पंजाब दे किसानां दे सिर ओपी धनखड़ दे वल्लों मड दित्ता गया है कि इह चिट्टा पींदे ने अते हरियाणे दे विच वी चिट्टे दे प्रचलन नूं वधावा पंजाब दे किसानां दे वल्लों दित्ता जा रिहा है। हुण किसान इस ते तिखी प्रतिक्रिया दिंदे दिखाई दिंदे ने, उह कहिंदे ने कि बीजेपी वालियां दा दिमाग खराब हो गया है, इस करके ही अजिही बयानबाजी इन्हां दे वल्लों कीती जा रही है। जेकर गल करिए पंजाब दीआं पोलिटिकल पार्टियां दी तां कांग्रेस पार्टी दे बुलारे डॉक्टर राजकुमार वेरका कहिंदे ने कि जिहड़ा चोर हुंदा है उहनां नूं सारे चोर जापदे ने, किसानां दीआं हक्की मंगां इह नहीं मन रहे, इस करके नवें तों नवां इल्जाम ला के किसानां नूं बदनाम करन दी कोशिश भाजपा दे वल्लों कीती जा रही है। इहनां नूं इदां नहीं करना चाहीदा, इहनां नूं पता नहीं की हो गया है। आम आदमी पार्टी दे वल्लों विरोधी धिर दे नेता हरपाल सिंह चीमा कहिंदे ने कि बीजेपी आगू ओपी धनखड़ दा दिमागी तवाजन ही विगड़ गया है, उस नूं अपना इलाज करवाउणा चाहीदा है, पता नहीं की कुछ बोली जांदा है, सगों मंगां मन्नणियां चाहीदियां ने। इह तां बदनाम करन वाले पासे तुर पए ने, पहलां वी बहुत कुछ कह चुके ने अते हुण इन्हां ने नवीं गल जोड़ दित्ती है कि हरियाणे दे विच नशा फैलाउण दा काम किसानां दे वल्लों कीता जा रिहा है। दिमागी तौर ते इह लीडर ठीक नहीं, इन्हां नूं जाके अपना इलाज करवाउणा चाहीदा है। इस तरह ओपी धनखड़ दे बयान नूं लै के जिहड़ा उन्होंने किसानी अंदोलन नूं नवां टैग दिता है, उस नूं लै के भी हुण माहौल गरमाउंदा दिखाई दिंदा है। अगली खबर दे वल वधदे हां। पंजाब भाजपा दे बुलारे हरिंदर काहलों दे वल्लों एक विवादित बयान किसानां दे बारे दिता गया सी कि मोदी तुहाडे नाल प्यार नाल रहिंदा है, जेकर मेरे वर्गा कोई मोदी दी जगह ते बैठा हुंदा तां तुहानूं डंडियां नाल कुट कुट के जेलां दे विच सुट दिंदा। उन्होंने केंद्र सरकार दे अगे यह मंग भी रख दी सी कि इन्हां नूं कुट कुट के जेलों दे विच सुट देना चाहिदा है, यही किसानी अंदोलन दा हल है अते हल होना भी इदां ही है, भावें अज कर लो अते भावें कल कर लो, इस करके इन्हां नूं कुट के जेलों विच सुटना बहुत जरूरी है। बीते दिन हरिंदर काहलों ने केंद्र सरकार दे कोलों यह मंग कीती कि अंदोलन करन वालियां नूं कुट के जेलां च सुट्टो, अते एक दिन बाद ही उन्हां दे वल्लों इस बयान ते माफ़ी भी मंग ली गई है। कहिंदे ने कि आई एम सॉरी, जे मेरे बयान दे नाल किसी नूं ठेस पहुंची है तां मैं सॉरी हाँ, मैं सॉरी मंगदा हाँ। हरिंदर काहलों दे वल्लों यह बयान जारी किया गया है। वह कहिंदे ने कि मैं किसानी अंदोलन दे नाल हाँ, मैं किसानां दे नाल हाँ, मैं तां सगों पिन्नियां बना बना के किसानी अंदोलन ते लै के गया, बीजेपी दे विच तां मैं हुण शामिल होया, इस करके ये सोचना कि मैं किसानां दे खिलाफ़ हाँ ये बिल्कुल गलत है। मेरे कोलों बोलदियां बोलदियां अजिहे शब्द वरते गए ने, जेकर किसी नूं बुरा लगा है तां मैं उस दे लई सॉरी फील करदा हाँ। ये शब्द हरिंदर काहलों दे वल्लों वरते गए ने। वह कहिंदे ने कि जदों बोलदे होईदा है तां कई वार अजिहे शब्द वरते जांदे ने, नवजोत सिद्धू वी तां कह ही गया है कि मैं हाई कमान की इट नाल इट खड़का देंगा, उन्हें किहड़ा इट नाल इट खड़का दिती है, तां की हो गया जे मेरे मूहों भी कुछ निकल गया है। पर मेरा कहण का मतलब यह नहीं सी कि किसानां नूं कुट के ते जेलां विच सुट दिओ, मेरे मूहों यह निकल गया है। हुण अपने बयान ते खेद जताउंदे अफसोस जताउंदे हरिंदर काहलों दिखाई दिंदे ने। अगे वधदे आ, इह तां हो गए भाजपा दे आगू जिन्हां दे वल्लों मुआफ़ी मंगी गई है, पर पंजाब दे कांग्रसी आगू भी पिछे नहीं। पंजाब कांग्रेस दे हंकारी विधायक फतेह जंग सिंह बाजवा दे वल्लों हंकारी बोल किसानां दे प्रति बीते दिनी वरते गए सन, किसान उन्हां दा विरोध करन लई पहुंचे सन, उन्हां दे विधान सभा हलके कादियां दे विच इक पिंड दे विच पहुंचे सन। फतेह जंग सिंह बाजवा ने कहा कि वह लोग जिन्हां नूं घरां दे विच रोटी नहीं मिलती कोई पुछदा नहीं, वह मेरा विरोध करन आ जांदे ने कि चलो वीडियो ही बना के पावांगे, मैं जावांगा इन्हां दे पिंड, इन्हां
इन्होंने मैनु की सवाल पूछने ने, मैं इन्हों सवाल पूछांगा कि दसो गन्ने का भाव 360 रुपये किसने किया है। अजिहे हंकारी बोल वरते सन फतेह जंग सिंह बाजवा ने। किसानों ने उन्हों का विरोध करना शुरू कर दिता कि तुसी सानू इदां भुखे नंगे किवें कह सकते हो कि सानू घरां विच रोटी नहीं मिलती है। वो अशर करांगे अकाल पुरख ही जानता है। अजिहियां धमकियां दित्तियां गईयां किसानां दे वल्लों तां हुण फतेह जंग सिंह बाजवा भी यू टर्न लैंदे दिखाई दिंदे ने। उन्होंने एक वीडियो जारी करके अपने बयान लई खिमा मंग लई है। कहिंदे ने कि मैं अजिहा कहण दी कोशिश नहीं कीती है, मैं किसे नूं कुछ भी नहीं किया, पर फिर भी जेकर मेरे बयान दे नाल किसे नूं कोई ठेस पहुंची है, दुख लगा है, तां मैं खिमा जाचना करदा हाँ, मैं खिमा मंगदा हाँ। 4 मिनट की वीडियो उन्होंने वालों जारी की गई है। उस 3-4 सेकेंड के उन्होंने मुआफ़ी मंगी है। बाकी सारी वीडियो दे अपनी सरकार के सोले ही गाँवते रहे हैं कि साड़ी सरकार ने किसानों लिए की कुछ किया है। कहिंदे ने कि भाव बड़ा वधिया कर दिता है, 360 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का भाव कर दिता है, जिस दे नाल किसानों का बहुत ज़्यादा फायदा होना है। पर उन्होंने अपने बयान को लैके मुआफ़ी मंग ली है, क्योंकि किसानों ने कहा कि जेकर मुआफ़ी ना मंगी गई तो हर जगह पर फतेह जंग सिंह बाजवा का विरोध किया जाएगा। चोणा आ रही ने, वोटा तो मंगनिया ही पैनिया ने, गलियां दे विच वड़ना फतेह जंग सिंह बाजवा का मुश्किल कर देंगे। हुण इस तरह BJP आगुआ के वलों कांग्रसी आगुआ के वलों विवादित बयानों को लैके किसानों के कोलों मुआफ़ियां मंगियां जा रही ने। अगे वधदे आ हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह दे विवादित बयान की गल कर लैने। भावें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुआफ़ी नहीं मंगी है, पर उन्होंने सफाई जरूर दे दिती है। उन्होंने सलाह दिती सी किसानां नूं कि पंजाब दे विच अंदोलन करन दा धरने लाउण दा कोई भी फायदा नहीं है, जाके केंद्र सरकार दे खिलाफ दिल्ली दे विच धरने लाओ जां फिर हरियाणे दे विच धरने लाओ। अते हुण उन्हां दे बयान नूं लै के बवाल लगातार वधदा दिखाई दिंदा है। हरियाणे तक इस बयान दा सेक पहुँच गया है। BJP हरियाणा दे वल्लों कैप्टन अमरिंदर सिंह दे खिलाफ अते राहुल गांधी दे खिलाफ पुतले फूक मुजारे कीते गए ने, क्योंकि BJP का कहना है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दे मूहों सच निकल गया है। कांग्रेस पार्टी दे वल्लों ही ये अंदोलन चलाया जा रहा है अते हदायतां देखो कांग्रेस पार्टी दे मुख्यमंत्री वल्लों दित्तियां जा रही ने कि जाके BJP नूं तंग करो। इस करके कांग्रेस पार्टी का विरोध हुण भारतीय जनता पार्टी दे वल्लों कीता जाण लग पिया है। किसान आगू भी लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं खरियां खरियां सुणाउंदे दिखाई दिंदे ने। जगजीत सिंह डल्लेवाल का कहना है कि जेड़ा खेती कानूनों का फाहा किसानों के गल पिया है उसके जन्मदाता तो सीधे तौर पर कांग्रेस ही ने। गैट के नाल समझौता कांग्रेस पार्टी की UPA सरकार ने किया जो केंद्र के सरकार सी उदों भी माहिर ने कहा कि गैट के नाल समझौता नहीं करना चाहिए है, क्योंकि उस समझौते दे विच लिखा गया कि किसानों को घट्टो घट समर्थन मुल नहीं दिता जाना चाहिए है और जेकर दिता जाता है तो MSP खत्म कर देनी चाहिए है। इस तरह कांग्रेस पार्टी ने ही शुरुआत की सी। हुण सानू मूर्ख बनाउंदे ने, सानू सारा कुछ पता है कि कांग्रेस अते भाजपा इको ही नीति ते चलदे ने। हुण जानबुझ के किसानां दे गुस्से तो बचण दे लई कांग्रसियां दे वल्लों ढोंग रचाया जा रहा है अते हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह दा भी कारपोरेट पक्षी जिहड़ा पक्ष है, कैप्टन अमरिंदर सिंह दा कारपोरेट पक्षी रवैया हुण पूरी तरह सामने आ गया है। विरोधी पार्टियां भी कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं बख्शदियां दिखाई नहीं दिंदियां। आम आदमी पार्टी दा कहना है कि शर्मनाक गल की है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, साथ देना चाहिए है किसानों का, ये पंजाब चों तुरी जाते हैं कि जाओ इतों। कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री ने कोई तो जिम्मेवारी उन्होंने बनती है। हरसिमरत कौर बादल भी कैप्टन अमरिंदर सिंह जिम्मेवारी याद करवाते दिखाई देते हैं। हरसिमरत कौर बादल का कहना है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ये दसन के किन्नी बार जाके उन्होंने किसानों के पक्ष में केंद्र सरकार नाल गलबात की है। 10 महीनों तो दिल्ली दियां सड़कां ते किसान बैठे ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह उस सूबे का मुखी है जिथों ये अंदोलन शुरू होया है। मुखी का फर्ज नहीं बनता कि जाके सड़क पर बैठे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आप तो जाके की बहना है, सगो किसानों भी पंजाब तो भजाने दी कोशिशां कर रहे हैं। शर्मनाक गल है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह सही नहीं किया।
हरसिमरत कौर बादल नूं जवाब कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों भी दे दिता गया। वो कहिंदे ने कि हरसिमरत कौर बादल तां बोल ही नहीं सकते, इन्हां दे करके ही यह सारा अंदोलन चल रहा है। बीजेपी दे नाल मिल के इस बादल परिवार ने ही खेती कानून पास करवाए ने, इस करके ही किसानां नूं अंदोलन चलाउणा पै रहा है। अते रही गल कि मैं किन्नियां कु गल्लां बातां कीतियां ने जाके केंद्र सरकार दे नाल खेती कानूनां नूं लैके, जाके प्रधानमंत्री दफ्तर तों रिकॉर्ड कढ़वा लैणा चाहीदा है कि मैं किन्नियां चिट्ठियां लिखियां ने, किन्ने मैं फोन कीते ने। इस करके हरसिमरत कौर बादल तां बोल ही नहीं सकते, उन्हां नूं इस मुद्दे ते नहीं बोलना चाहीदा है। हरसिमरत कौर बादल नूं जवाब पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों दे दिता गया है। अगे वधदे आ, गल पंजाब कांग्रेस दे प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू दी कर लैने आ, जिन्हां दे वल्लों श्रोमणी अकाली दल दे खिलाफ एक वड्डा सबूत पेश करके उन्हां नूं कटहरे दे विच खड़ा कर दिता गया है। 2013 का विधानसभा का एक एक्ट कढ लिया इन्हे नवजोत सिंह सिद्धू, जिहड़ा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बारे है। नवजोत सिंह सिद्धू का कहना है कि श्रोमणी अकाली दल ने पंजाब दे विच कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नाम का एक्ट तैयार किया, भाव मोढ़ी ही श्रोमणी अकाली दल है। इन्होंने पंजाब दे विच ये खेती कानून तैयार किए ने, जिन्हों की नकल करके मोदी सरकार ने यह तीन खेती कानून किसानों के खिलाफ बना दिते ने। सीधे तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू का कहना है कि उस वेले दे मुख्यमंत्री भाव 2013 दे विच तत्काली मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल दे वल्लों पंजाब की विधानसभा दे विच ठेका आधारित खेती कानून 2013 पेश किया गया सी, जिस दियां सारियां धरावां ही केंद्र सरकार दे खेती कानूनां दे नाल मेल खांदियां ने। जिवें उन्होंने MSP की कोई भी गरंटी नहीं दिती है, उवें ही पंजाब सरकार वाले बादलों वाले कानून दे विच है। जिवें ओह कहिंदे ने कि SDM तो उपर कोर्ट दे विच किसान नहीं जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दे विच, उही कुछ बादलों के कानून विच है। इसका मतलब है कि रूह बादलों ने तैयार की है उन्हां कानूनों की, शरीर हुण मोदी सरकार ने तैयार किया है। इस तरह श्रोमणी अकाली दल खेती कानून बनाने लई सीधे तौर पर जिम्मेवार है, बनाए ही इन्होंने है। मोदी सरकार ने तो सिर्फ नकल ही की है। वड्डा इल्जाम नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों बादलों ते ला दिता गया है। हुण श्रोमणी अकाली दल दे बुलारे चरणजीत सिंह बराड़ ने जवाब नवजोत सिंह सिद्धू नूं दे दिता है। पहली गल तो यह, उन्होंने पंजाब के लोगों को अपील की है कि नवजोत सिंह सिद्धू नूं सीरीयस नहीं लिया जाना चाहिए, नवजोत सिद्धू कुछ भी बोलता रहिंदा है, पहली गल। दूजी गल, वह कहिंदे ने कि उस वेले मुख संसदी सकत्तर सन नवजोत सिंह सिद्धू की धर्म पत्नी नवजोत कौर सिद्धू, जेकर उस वेले ये ठेका आधारित कानून लिया गया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, फिर सिद्धू परिवार ने उदों इसका विरोध क्यों नहीं किया? दो गल्लां। तीजी गल, वह कहिंदे ने कि यह कानून तो पंजाब दे विच लागू ही नहीं किया गया, इसनू रोक लिया गया सी। फिर नवजोत सिंह सिद्धू हुण पुरानियां गल्लां करके साबित की करना चाहुंदे ने, इस करके नवजोत सिंह सिद्धू दीआं गल्लां ते ज़्यादा गौर पंजाब दे लोकां नूं नहीं करना चाहीदा है। श्रोमणी अकाली दल दे वल्लों जवाब भी दे दिता गया है। जिहड़ी प्रैस कॉन्फ्रेंस नवजोत सिद्धू दे वल्लों कीती गई है, उन्होंने अपनी गल तां कर लई, पर जदों वारी आई पत्रकारां दी सवाल पुछण नवजोत सिंह सिद्धू नूं पत्रकारां दे सवालां दा कोई भी जवाब नहीं आया। पुछिया गया, कैप्टन अमरिंदर सिंह किसानां नूं कह रहे ने कि पंजाब च धरने ना लाओ, बाहर जाओ, दिल्ली जाओ, हरियाणे जाओ, तां नवजोत सिंह सिद्धू कहिंदे ने नो कमेंट, मैं इस ते कोई भी कमेंट नहीं कर सकदा। तीन चार सवाल नवजोत सिंह सिद्धू दे कोलों होर पुछे गए, उन्हां बारे भी नवजोत सिंह सिद्धू ने यही कह दिता कि मैं कोई भी कमेंट नहीं कर सकता। ते बिना कोई जवाब दित्या नवजोत सिंह सिद्धू अपनी गल कह के उत्थों चलदे बने, पर मुख मकसद उन्हां दा प्रैस कॉन्फ्रेंस करन दा ए सी कि बादलों ने ही मोदी सरकार दे जरिए किसानां दे लई इह खेती कानून बनवाए ने। अगे वधदे आ, हुण तुहानूं दसदे आ कि जिहड़े लोग भाजपा दे विच शामिल हो रहे ने, लोग उन्हां दा की हशर करदे ने। बरनाला जिले दे पिंड चन्नणवाल दे मौजूदा कांग्रेसी सरपंच बूटा सिंह कुछ होर लोगों के नाल भारतीय जनता पार्टी दे विच शामिल हो गए, सारा पिंड इकट्ठा हो गया और उन्होंने पंचायत ही खारज कर दिती, सरपंच का ही समाजिक बाइकाट कर दिता। पिंड वाले कहिंदे ने असीं शर्मिंदे आ,
साडा पिंड किसानी अंदोलन दे विच योगदान पा रहा है ते साडा सरपंच जाके बीजेपी च शामिल हो गया है। असी शर्मसार हो गए हैं, साडा सिर झुक गया है। अज तो बाद कोई भी सरपंच दे नाल अते उहदे साथियों दे नाल कोई भी संपर्क नहीं रखेगा, किसी भी तरह का रिश्ता नाता नहीं रखेगा। पिंड वालों के वलों इकट्ठ किया गया, सरपंच नूं सद्या गया सी, सरपंच ने आउण तों ना कर दित्ती पर पंचायत नूं ही खारज कर दिता गया है। पिंड वालों के वलों समाजिक बाइकाट पिंड दे सरपंच दा ही कर दिता गया है। लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से दे विच हुण आउंदे दिखाई देंदे ने। अगे वधदे आ, गल पंजाबी कलाकार गुरदास मान की कर लैंदे आ। उन्हां नूं राहत मिल गई है, पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट दे वलों अंतरिम जमानत दे दित्ती गई है गुरदास मान नूं। उन्हां दे उपर 295A की धारा के तहत धार्मिक भावनावां नूं ठेस पहुँचाउण दा परचा दर्ज किया गया सी नकोदर दे इक थाने दे विच। उन्हां दी जिहड़ी जमानत की अर्जी जिला अदालत जलंधर दे विच पाई गई सी 8 सितंबर नूं ओह रद्द हो गई सी, भाव उन्हां नूं लोकल अदालत तों जमानत नहीं मिली सी। उस तों बाद हुण उन्हां ने हाई कोर्ट दे विच इह अपील पाई सी जिस दे विच उन्हां नूं अंतरिम जमानत कोर्ट दे वल्लों दे दित्ती गई है। पंजाब सरकार नूं हाई कोर्ट दे वल्लों नोटिस भी जारी कर दिता गया है। 26 अगस्त नूं गुरदास मान ते ये परचा दर्ज किया गया सी नकोदर दी पुलिस दे वल्लों धार्मिक भावनावां नूं ठेस पहुँचाउण दा, अते हुण अंतरिम जमानत पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट दे वल्लों गुरदास मान नूं दे दित्ती गई है। सिख जथेबंदियां दे वल्लों धरना लगा के ये परचा दर्ज करवाया गया सी, जदके गुरदास मान ने मुआफ़ी भी मंग लई सी। इस दे बावजूद सिख जथेबंदियां दा गुस्सा शांत नहीं होया सी। कांग्रेसी विधायक अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भी अपनी सरकार तो मंग की सी कि गुरदास मान ते कीता गया परचा रद्द किया जाना चाहिए है। पंजाब सरकार ने रद्द नहीं किया परचा, अते हुण हाई कोर्ट तो अंतरिम जमानत गुरदास मान नूं मिल गई है, जिसनों के काफ़ी वड्डी राहत गुरदास मान दे लई कहा जा सकता है। ये सन कुछ वो खबर, कुछ वो जानकारी जो तुहाडे तक पहुँचाउणी बहुत जरूरी सी। इन्हां खबरां विचों किसी खबर बारे जां फिर पंजाबी प्राइम टाइम बारे तुहाडी कोई भी राय जां सुझाव है तां कमेंट करके अपनी राय जरूर दिओ। चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, फेसबुक ते पेज लाइक कर लो। मैं जज सिंह चाहल अगली बार फिर हाजर होवांगा। तुसीं देखदे रहो द पंजाब टीवी, हर खबर दा सच।